क्लॉथ शॉप से यहाँ पे। ओह माय गॉड, दिस इज, अभी तो ये फॉरेनर का रहता तो इधर ट्रैफिक जैम इस टाइम। हाँ, ये अभी इंडियन भी है कितने। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल उज्जवल बैकपैकर, वेलकम टू आरामबोल। यस, अभी मैं आ चुका हूँ आरामबोल बीच पे। एक्सप्लोर करेंगे आरामबोल बीच को, देखेंगे क्या है यहाँ पे। चलो थोड़ा सामने जाते हैं और देखते, थोड़ा पानी को छू के आते हैं। बहुत सारे शैक है यहाँ पे, तो किसी में भी आप लोग बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो व्यू को। यहाँ पे तो बहुत लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, सारा दिन। हाँ हाँ, आऊँगा रात को, आऊँगा रात को, आता हूँ ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो बना लेते, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पार्टी होगा तो। तो ये था कुछ आरामबोल बीच का व्यू। आप लोग अगर नॉर्थ गोवा आ रहे हो तो आरामबोल बीच एक बार विजिट कर सकते हो। अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से स्वीट वाटर लेक। तो स्वीट वाटर लेक जो है वो है इस तरफ जाना पड़ेगा स्वीट वाटर लेक देखने के लिए। तो मैं यहाँ से चल के फिर इधर जाऊँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है उज्जवल बैकपैकर। तो लेक जाने के रास्ते पे बहुत सारा शॉप्स और रेस्टोरेंट्स है। गोवा में जितना भी शॉप्स अभी तक देखा, सब में कलरफुल कपड़े मिलते हैं। देखो कितना कलरफुल कपड़े हैं, जेंट्स लेडीज। इस शॉप्स में देखो बैम्बू से बना हुआ सब चीज़ें मिलता है खूबसूरत। और ये रहा मसाज पार्लर, ठीक से देख लो। यहाँ बैठ के समुंदर का नजारा देखने में एक अलग ही सुकून है। क्या रेस्टोरेंट से देखो, मैं जितना लेक की तरफ जा रहा हूँ व्यू उतना ही सुंदर होता जा रहा है। देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। ये नारियल का वो जो सेल होता है उससे बना है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये कैसा पॉलिश किया, वेरी नाइस। हाँ, नारियल का कुछ भी बना सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। So this is Arambol. Arambol का end है ये. Arambol Lake. End of Arambol. Yeah, north side. North side. तो मैं आ चुका हूँ स्वीट वाटर लेक पे। तो आरामबोल बीच बराबर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पहुँचने में 20 मिनट तक लगेगा। स्वीट वाटर लेक आरामबोल से आप जल्दी आ सकोगे। और जो केरी बीच है वहाँ से आने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि केरी बीच से बहुत दूर है और रास्ता भी जंगल का है। तो वहाँ से आने में आपका पूरा हाफ डे का प्लान लगेगा। तो आरामबोल आते हो तो स्वीट वाटर लेक एक बार ज़रूर विजिट करना, पास में ही है, सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा लगेगा आने में। इसमें मछली है क्या? या मछली है, क्रैब्स भी है, या बड़े बड़े क्रैब केकड़े। हाँ, तो ये साइड है समुंदर और यहाँ पे है स्वीट वाटर लेक, मीठा पानी और नमकीन पानी। अभी तो दिसंबर एंड है, मतलब न्यू ईयर का टाइम है, लेकिन अभी भी यहाँ पे गर्मी है। तो मैं सोच सकता हूँ अभी समर टाइम पे यहाँ पे कितना गर्मी हो सकता है। तो अगर गोवा का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा विंटर में ही बनाना, दिसंबर या जनवरी में, नहीं तो बाद में यहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ता है। तो दिसंबर जनवरी इज़ द बेस्ट मंथ। स्वीट वाटर लेक के सामने आपको ऐसा व्यू मिलेगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, खा पी भी सकते हो और बैठ के चिल भी कर सकते हो। तो बहुत ही गर्मी है तो इसलिए सोचा कि ये थोड़ा, तो मैंने ऑर्डर दिया है ये मिक्स फ्रूट जूस 100 रुपये का। तो ये आ चुका है मिक्स फ्रूट जूस।
क्या व्यू है, क्या व्यू है, देखो क्या व्यू है। तो मैं आ चुका हूँ छपोरा फोर्ट पे। पुर्तगाल टाइम पे ये फोर्ट बना था। ये देखो बाउंड्री का वॉल है सिर्फ, और कुछ यहाँ पे है नहीं। जो भी फोर्ट था वो सब मिट्टी में मिल चुका है। तो अरंबोल से आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, 45 मिनट्स ऐसा कुछ लग सकता है यहाँ पे आने के लिए। मैं आप लोगों को एक घोस्ट मिलवाता हूँ, रुको। हेलो हेलो, तो इनका कहाँ है सर? जाओ भाई, कोई टीप नहीं कर रहा है, जाओ। बी हैप्पी मैन। इज इट एनफ फॉर यू? This one. Bless. Yes. God bless you always. Best wishes for the new year. Thank you. Nice to meet you, man. I appreciate your goodwill. Okay. Thank you. Actually, tourists यहाँ पे इस wall पे चढ़ के ये view देखने के लिए आते हैं। फोर्ट जैसा भी हो लेकिन फोर्ट के ऊपर से ये जो व्यू दिखने को मिल रहा है ये ऑसम है, ऑसम। इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं एक्चुअली। फोर्ट के अंदर का ये व्यू मुझे उतना खास नहीं लगा, लेकिन बाहर का व्यू ऑसम है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब जाएंगे लंच करने, उसके बाद आज बॉडी मसाज कराने का प्लान है। तो देखते हैं कहाँ तक कम्प्लीट हो पाता है। चलो बने रहो मेरे साथ। तो मसाज करा के अभी मैं आ चुका हूँ अरंबोल बीच पे। अभी सनसेट हो चुका है, तो मेरे चेहरे का स्माइल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने कौन सा मसाज करवाया। मसाज के लिए लगा 3000 रुपीज़, फुल बॉडी मसाज। मैंने मसाज पार्लर का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो करना अलाउड नहीं है। आप लोग बचलर हो तो ज़रूर एक बार आओ गोवा और मसाज करवाओ। तो ये है कुछ अरंबोल बीच का व्यू। अभी शाम हो चुकी है, तो ये रहा कुछ व्यू। टेबल पे कैंडल लाइट, और लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। आज तो 30 दिसंबर है, कल है 31, तो बहुत क्राउड है यहाँ पे अरंबोल बीच पे। इंडियंस, फॉरेनर्स सब है। वाव, ये मैंने कभी देखा नहीं कैसे बनाते हैं। देखते बोला, मैं भी नहीं बनाया। हाँ, कभी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है नहाने को। ये ऊल से बनता है। ये कितना टाइम रहेगा? क्या बना रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो देखते हैं न्यू ईयर के लिए एक बना के देखते हैं कैसा लगता है। ग्रीन, ब्लू और क्या लगा है, चॉकलेट। तो मैंने आपको डे टाइम पे दिखाया था कैसा है अरंबोल बीच का व्यू, अभी मैं दिखा रहा हूँ रात को अरंबोल बीच कैसा दिखता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से मिलते हैं कल।